हेलो, दिस इज अभिजीत चौधरी द फिजिक्स जोन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आया था, उसके लिए माफ़ी। तो आज बारी है इस टैंक के मेंटेनेंस की। देख सकते हो इसमें इस छोटे से गप्पी फिश के फ्राइज के साथ बहुत सारे स्नेल्स हो चुके हैं, प्लांट्स पर, ग्लास पर, नीचे की तरफ सब कुछ। इनको निकालने का दो ही तरीका है, या तो अपने हाथों से मैनुअली निकालो या फिर ऐसे स्नेल स्नेल। अब ऐसे स्नेल स्नेल थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है और साथ में इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर बेस्ट है हाथ से ही निकालना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इन स्नेल को निकालते हुए। तो स्नेल्स तो पूरे निकल चुके हैं, अब बारी प्लांट्स को थोड़ा सा केयर करने की। तो प्लांट तो अच्छे से चल रहे हैं, बट मैंने प्लांट्स को उल्टे सीधा हर तरफ बो दिया था, तो उसको थोड़ा पीछे करूंगा, सीरियल वाइज लगाऊंगा, और साथ में जो उसमें कबूम्बा का प्लांट है उसको निकाल के मैं छत पे ग्रो करने वाला हूँ टेरेस पर। तो अभी गाइस इस टैंक का मेंटेनेंस हो चुका है, ग्लास क्लीनिंग से लेके वाटर चेंजेस तक। और अभी बारी है हम लोग को अपने दूसरे टैंक को साफ करने का, जो कि इसके बगल में रखा हुआ। तो इसमें से मैं पूरा पानी निकालने वाला हूँ, साथ में सैंड सब्ट्रेट और ये फ्रॉग बीड भी, और मैं इसको एज अ ग्रूमिंग टैंक यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से इसको भी क्लीन कर लेते हैं। अभी फिलहाल गाइस ऐसा सीन है कि इसमें जितने भी फिशेस हैं सबको मैं हार्वेस्ट करने वाला हूं, और इसमें अराउंड 100+ फिशेस थे। बट अभी जब बारिश हो शुरू हुई थी तो मैं इसमें बिल्कुल केयर नहीं करता, मतलब मैं फिशेस को निकाला भी नहीं था, बारिश हो चुकी, डायरेक्ट पानी भी पड़ा, तो इसमें काफ़ी सारे फिशेस की डेथ हो गई है। तो अभी फिलहाल इसमें जितने उनको सबको निकाल के अपने नीचे टैंक पर शिफ्ट कर दूंगा, जो अभी मैंने साफ किया है। अभी मैंने सब प्लांट निकाल लिया, एंड इसमें से मैं प्लांट को भी अच्छे से साफ करके अब मैं सेल करने वाला हूँ। इसमें से बहुत सारे प्लांट हैं जो सेल कर सकता हूँ मैं। तो अभी इसमें पहले फिशेस निकाल लेते, इसमें काफ़ी सारे फ्राइज हैं, और अभी इसमें लगभग इतने सारे फिश हैं ना कि मैं इनसे भी ब्रीड करा के बहुत सारे करा सकता हूँ। अभी फिलहाल तो अभी बच्चे भी हुए थे बहुत सारे इसमें हैं, तो उन सबको भी मैं सोच रहा हूँ नीचे शिफ्ट कर दूंगा। अभी वैसे भी इनका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि ये मेन टैंक में रह लेंगे अपने फिशेज के साथ जो इनके पेरेंट्स हैं। और इसमें भी काफ़ी सारे तुम लोग को प्लैटी फिश के फ्राइज देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल प्लैटी का बहुत ज़्यादा भाई मेरे पास फ्राइज हो चुके हैं, और इसमें भी काफ़ी सारे प्लैटी फिश के फ्राइज हैं, तो उन सबको ग्रो करना है, और पूरा प्लैटी फिश को फ्राई को ग्रो करके फिर उनको ब्रीड करना है। और गैस जो हमारा ये टब वाला फिश पॉन्ड था, तो इसके अंदर मैंने रखे हुए थे गप्पी फिश के फ्राई रखे हुए थे, तो वो सब खत्म हो गए थे, मतलब मर गए थे, मैंने उनका केयर नहीं किया था, बारिश थोड़ी थोड़ी थी। बट गैस मैंने इसमें श्रिम्प भी छोड़े थे जिनको, जो कि ब्रीड कर चुके हैं काफ़ी सारे। इसमें श्रिम्प के मैंने बच्चे देखे थे, इधर उधर तैर रहे थे। तो अभी पूरा इस पूरे सेटअप को हटाने वाला हूँ मैं, इसको मैं नीचे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पर ठंडियाँ शुरू हो रही है। दिन की तरह टाइम तो गर्म ही रहता है दिन के टाइम पे, पर रात में गाइस ठंडी हो जाती है, ठंडा एकदम माहौल हो जाता है। तो उसके लिए ही मैं इसको नीचे शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी और भी फिशेस आएंगी, फ्राइज होंगे, तो उन सबको शिफ्ट करने के लिए। तो पूरा सेटअप ही अब नीचे बनाने वाला हूँ। बाकी हमारा ये फिश पॉन्ड जो मैंने बना रखा है, जिसमें मैं प्लांट्स ग्रो करा रहा हूँ, तो प्लांट इसमें काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बस दो प्लांट इसमें मेल्ट हो गए थे, अच्छे से हुए नहीं, बाकी तो सब ठीक है। एंड एक स्नेल गाइस ये देखो मर गया, बड़ा सा एप्पल स्नेल, ये मेरे घर के किसी बच्चों का काम है, मतलब इसको छेड़ रहे थे शायद, बाहर फेंक दिया था इसी कारण मर गया। इसको मैंने ऐसे रख दिया, सेल अच्छा लग रहा है, सजा सकते हैं। बाकी छोटा वाला सेल इसके अंदर है, और दो एप्पल स्नेल नीचे टैंक में हैं, जिसमें भी मैंने मौली फिश के छोड़े हुए हैं फ्राइज, सॉरी फ्राइज भी छोड़े हुए हैं, बड़े भी छोड़े हुए हैं। तो पहले चलो जल्दी से इन सबको मैं निकाल लेता हूँ, फिर तुम लोग से मिलता हूँ। तो दोस्तों इतना तोड़ फोड़ करने के बाद अभी हम लोग को मिले हैं इतने सारे फिशेस, और साथ में इसमें कुछ श्रिम्प्स भी हैं, बहुत सारे श्रिम्प इसमें मतलब ब्रीड भी कर गए थे, और अभी कुछ एग लोडेड भी तुम लोग को पकड़ के दिखाता हूँ। देखो भाई कितना तेज जंप कर, ओ सिट कूद गई, पकड़ के दिखाता हूँ तुम लोग को।
तो भाई इसमें दो फ्रेम पे पूरे एग लोडेड हैं, तो कैसे भाग रही है, काफ़ी फास्ट होते हैं। और ये मैं वाइल्ड से पकड़ के लाया था गांव से अपने, काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं अभी। अभी देखना, ये देखो इसके पेट में, तुम देख रहे हो ना कितना ज़्यादा भाई एग लोड है पूरा। और छोटे छोटे भी श्रिम्प्स हैं, तो इन सबको अपने गप्पे उसके टैंक में डालने वाला हूँ। और एक एप्पल स्नेल ये है, बाकी यही सब मौली फिश के फ्राइज हैं, प्लेटी फिश के फ्राइज हैं इसमें। तो अब मैंने सभी श्रिम्प्स को मैं इस गप्पी फिश वाले टैंक में शिफ्ट कर देता हूँ, और जितने इसमें बलून मौली और साथ में जो सॉल्टल दिख रहा है उसको निकाल के मैं बगल वाले टैंक में शिफ्ट करूंगा। तो अब बारी गई टैंक में वाटर को ऐड करने की, तो मैं न्यू वाटर ऐड कर रहा हूँ, 30% न्यू वाटर ऐड करूँगा, बाकी सब हमारा ओल्ड वाटर रहेगा ताकि फिशेस को कोई दिक्कत ना हो। तो अभी गाइस एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है, बस भाई अभी जस्ट हुआ है, हमारा जो बाउल था वो अभी टूट गया मुझसे गिर के यहाँ से नीचे, पूरा देख सकते हो पानी फैला, तो मैंने अभी साफ कर दिया है। और अभी बारी है इनको फीड करने की, तो देख सकते हो मैंने 30% न्यू वाटर ऐड किया था एंड अभी इतना ओल्ड वाटर ऐड कर दिया पुराने टैंक का। मैं ड्रम में से निकाल लाया था पानी, तो अभी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, और देख सकते हो फिर आराम से स्विम करे, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इनको पहले फीड करता हूँ, और मैं अभी इनको 2-3 दिन से यही फीड कर रहा हूँ। तो ये बता देता हूँ क्या ये फूड है, जो पहले से होते हैं नॉर्मल, कोई से भी कंपनी का उठा लो, पर पहले आपको लेना है गार्लिक। गार्लिक को पेस्ट बनाओ और पानी डाल के अच्छे से सोक कर लो, 2-3 घंटे में पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आराम से जितने दिन तक चल जाओ उतने दिन तक खिलाओ। इससे क्या होगा ना, जो इनके अंदर इंटरनल पैरासाइट होते हैं वो साफ हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन से मेरी गप्पी फिश काफ़ी ज़्यादा मर रही थी, अभी भी जब से मैं खिलाना शुरू कर रहा हूँ अब सब ठीक हो चुकी हैं और डेथ भी नहीं हो रही है। तो फिर लो इनको पहले खिला देता हूँ, जैसे अपने डाल दिया है, अभी इन लोग सब खा लेंगे इसको। वो कैसे खा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा फूड है, और ये एकदम पाउडर टाइप का हो जाता था, पेस्ट भी बन जाता है ये, तो जो फ्राइज़ होते हैं वो भी खा सकते थे, उनको अपने फ्राइज़ को भी तुम खिला सकते हो। अभी मैं इनको खिलाता हूँ प्लेटी और मौली फिश के फ्राइज़ को, एडल्ट भी हैं इसमें कुछ। तो देखो खाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो फिलहाल तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने टेरेस पे, एंड ये हमारा जैपनीज कोई कार का फिश पॉन्ड, देख सकते हो काफ़ी एलगे लग चुका है। मैंने इसमें एक वो डाला था इसमें एलगेटर प्लेको फिश, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी डेथ हो गई, एक ही डाला था। अब मैं फिर से लेके आऊँगा तो वापस से डाल दूंगा। तो अभी चल इनको फीड कर देते हैं, और फीड डाल दिया, अभी थोड़ा सा हट जाता हूँ, अभी लोग खाने आ जाएंगे। देखो खाने आ चुके हैं, एंड तुम साइज देख ही पा रहे हो, साइज और कलर काफ़ी अच्छा बढ़ता जा रहा है इन लोग का। और ये देखो हमारी शार्क चली गए अंदर, काफ़ी ज़्यादा डरते हैं लोग सारे से। तो अभी चलते हैं हमारे और टैंक पे डाल देते हैं फीड थोड़ा सा। तो ये देखो पूरा सब गंदगी फैला हुआ है, तो इसमें मैंने कुछ मौली फिश छोड़ दी हैं ऐसे ही, क्योंकि इसमें मैं प्लांट डाला हुआ हूँ, और ऐसे पानी रहेगा इसमें तो फिर इसमें मॉस्किटो भी हो सकता है इसीलिए। और इसमें डाल देता हूँ, इसमें भी हमारे मौली फिश हैं और एक सॉर्टल है, बाकी इसमें हमारी वाइल्ड फिश है वाइल्ड इंडियन जेब्रा डेनियोस, तो उनको भी फीड कर देते हैं। तो इनको गैस फीड डाल दिया, देख सकते हो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लोग आके खा रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से हट जाता हूँ, और ये देखो लोग यहाँ पे फीड खा रहे हैं। तो बस गैस यही कुछ अपडेट था, धीरे धीरे ठंडी आ रही है तो मुझे थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा, अच्छे से सब कुछ लगाना पड़ेगा सेटअप घर के अंदर रखने के लिए, वरना ठंडी में बहुत सारी फिश डेथ हो जाएंगी, और भी नए नए फिश लाते रहूँगा। तो अभी नीचे भी और भी कुछ सेटअप होगा, जो सब टब है छोटे छोटे जो पॉन्ड है जो मैं हटा सकता हूँ, तो वहाँ से हटा के नीचे रख दूंगा। और अभी ठंडियों के केयर के ऊपर भी वीडियो आएगी, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, तो कुछ भी पूछना पूछ सकते हो वहाँ पे। थके थैंक्स फॉर वॉचिंग।